For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. नफरत भी है और मोहब्बत भी, इश्क भी है और नामंजूरी भी, कुछ ऐसा ही तो हाल है अध्यय का सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं मैं। अब भाई इतनी सारी मिक्स सी फीलिंग्स हैं तो जाहिर सी बात है अध्यय ये सवाल पूछेंगे ही कि वो अपने प्यार को क्या नाम दे। लेकिन बहुत जल्द अध्यय के पास एक ही फीलिंग होगी जिसके कारण वो अपने प्यार को एक अच्छा सा नाम दे पाएंगे। चलिए ज्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए आपको बताते हैं कि आखिर हम ऐसा सब क्यों कह रहे हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कैसे चांदनी का सच जान जाएगा अध्यय। वो सच नहीं जो आज उसे गलत फहमी की वजह से सच लग रहा है, बल्कि वो सच जो वाकई में एक सच है, क्योंकि चांदनी ही कहती है कि सच का सिर्फ एक रंग होता है और वो होता है सच्चाई का रंग। यही सच्चाई का रंग अध्यय की आंखों के सामने आएगा और वो जान जाएगा कि वो नन्हा बच्चा जिसे वो चांदनी की औलाद समझ रहा है वो उसकी बहन मेघा का बच्चा है। इसके साथ ही अध्यय ये भी जान जाएगा कि चांदनी अपनी माँ की असली औलाद है ही नहीं, बल्कि वो तो सौतेली बेटी है जिसके साथ न जाने कब से उसी के घर में हो रहे हैं कई अत्याचार, और इन्हीं अत्याचारों के चलते उसे मजबूरन पीपी से शादी भी करनी पड़ रही थी। उसी की माँ इंद्राणी दे रही है उसे धोखा। ऐसे में अध्यय अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा और वो ये सोच सोच कर खूब पछताएगा कि आखिर आज तक वो चांदनी से इतनी नफरत क्यों करता रहा, आखिर आज तक चांदनी को उसने देव से दूर क्यों रखा, यानी कि खुद से दूर क्यों रखा। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होगा इस शो के अपकमिंग एपिसोड्स में जब अध्यय को पता चलेगा सच। सब्सक्राइब आवर चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू और जुड़ जाए हमारे साथ ताकि बाकी सारी अपडेट्स भी आप तक पहुंचे काफी फटाफट। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।